सर कैसे हैं? ठीक है सर। ये आज जज साहब बेंच से लादा हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अजीब बात है और ये मेरी नज़र में अफसोस की बात भी है कि क्यों एक जज हाई कोर्ट का ये समझे कि वो एक मुकदमे में इंसाफ नहीं कर सकता। रिक्यूज करने का यह मतलब होता है कि जज साहब ये समझ रहे हैं कि उनके लिए मुकदमे में कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक फैसला करना मुमकिन नहीं होता। क्यों ऐसी सूरत पैदा हुई? ये पूरे निज़ाम के लिए एक सवालिया निशान है और एक अलमिया है। हाँ, पता चले क्यों अलग हुए, ये सवाल करना चाहिए ना सब। उस दिन सुना एक डेढ़ घंटा हमें ऑर्डर का हिस्सा है जो उस दिन ऑर्डर लिखाया गया, उसके बाद क्या वाकया होगा, क्या हालात हुए कि लगा कि उन्हें बेंच से पैदा होना चाहिए, ये सवाल सबको करना तैनात, इसके अलावा तो नहीं होता। कुछ भी नहीं कह सकते जी इसमें। अगर कोई मामला कानून और आईन का हो तो मैं कोई राय दूंगा, ठीक है। अब तो मामला दबाव और क्यों ऐसी सूरत पैदा हुई, ये पूरे निज़ाम के लिए एक सवालिया निशान है और एक अलमिया है। हाँ, पता चले क्यों अलग हुए, ये सवाल करना चाहिए ना सब। उस दिन सुना एक डेढ़ घंटा हमें ऑर्डर का हिस्सा है जो उस दिन ऑर्डर लिखाया गया, उसके बाद क्या वाकया होगा, क्या हालात हुए कि लगा कि उन्हें बेंच से पैदा होना चाहिए, ये सवाल सबको करना तैनात, इसके अलावा तो नहीं होता। कुछ भी नहीं कह सकते जी इसमें। अगर कोई मामला कानून और आईन का हो तो मैं कोई राय दूंगा, ठीक है। अब तो मामला दबाव और खौफ का है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।